बांदीपुरा के माल मगाम में आज से नंगाबाजी का 7 दिवसीय उर्स समारोह हो गया है, जिससे लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सैयद शब्बीर गिलानी ने अपर्याप्त व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल पर पानी और उचित शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे आगंतुकों को काफी परेशानी हो रही थी। गिलानी ने बताया कि उन्होंने इन मुद्दों के बारे में अधिकारियों को बार बार सचेत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। गिलानी ने सरकार से तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उर्स के अत्याधुनिक महत्व को बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं को तत्काल सुधार करने का आग्रह किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सैयद शब्बीर गिलानी है और मैं फरजंद निस्बती हूँ किबला नांगाबाजी साहब के, जो सजादा नशीन अव्वल मरहूम पीर सैयद जामन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ अक्काबाजी साहब, तो इस ख़ानदान के साथ मेरा ये ताल्लुक है और मैं एक अच्छी पोस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और वहाँ से मैं रिटायर आया हूँ। आज नांगाबाजी साहब का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है और यहाँ पे जैसे आपने पहले ही बता दिया कि दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, उनका फेथ है, उनका एतकाद है। दूर दूर इलाकों को मैं आपको गिन के बता दूं कि लोग रियासत जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि रियासत के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, पंजाब से आते हैं और हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत पे हाज़िरी देते हैं। अकीदा है, अकीदतमंदी है, इन 10 दिनों में लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, ज़ियारत पे हाज़िरी देते हैं और अपने अकीदत के मुताबिक वो अपने अकीदत का इजहार करते हैं। बाजी साहब एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बड़ी रूहानी शख्सियत है और मुझे भी पिछले 40 साल से मैं ये उर्स जो है ये देखता आ रहा हूँ, मैंने ये उर्स अटेंड किया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए इंतज़ामात होने चाहिए थे, वो इंतज़ामात बिल्कुल नहीं है। वो क्या इंतज़ामात हैं? वो हैं यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पानी की है और उसके बाद टॉयलेट्स की है। यहाँ पे सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक टॉयलेट्स का कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है, जबकि देखा गया है जहाँ के भी इस तरह के मेले होते हैं वहाँ मेकशिफ्ट टॉयलेट्स लगाए जाते हैं और लोगों को इसकी सहूलियत मिलती है। लेकिन इसके बजाय यहाँ पे ये होता है 10 दिनों के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जब कल्मिनेट होगा उर्स शरीफ, तो यहाँ इस पूरे इलाके में ये 3 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे जगह जगह आप पाखाना और शिट्स जो है वो पाएंगे, लेटरीन ओपन में लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कोई भी नहीं है। और इस तरह यहाँ जो केयर टेकर हैं उनका भी इतना कोई इंतज़ाम जो नहीं है जो वो मेहमानों को ये चीज़ जो है ये मुहैया कर सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है, जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, मैंने यात्रा की 10 ड्यूटियाँ 8 ड्यूटियाँ दी हैं, हर वक्त एज ए गजटेड ऑफिसर यात्रा ऑफिसर भी मैं रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा है कि टॉयलेट्स बनाए जाते हैं और बड़े अच्छे लोग जो हैं वहाँ पे एकदम उनको एकदम सफाई जो है वो केमिकल डालते हैं, साफ करते हैं, फिर पानी का इंतज़ाम होता है। यहाँ तो कल परसों यहाँ ऐसा हुआ कि मस्जिद में पानी नहीं था, वो लोग करते हैं कोशिश अपनी तरफ से, टैंकर लगाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 10 घर हैं, 10-20 घर हैं, 10 घरों में जो है यहाँ पे मरीज आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ लंगर जहाँ बाजी साहब का चलता है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो भीड़ होती है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर DC साहब को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो उन्होंने यहाँ पे मीटिंग वगैरह ले ली, मैंने सुना है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है एज सच मैंने अभी तक कोई नहीं देखा है कि कोई अमल जो है उस पर नहीं हुआ है। यहाँ आप देखें, यहाँ बाजार लगे हुए हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ये लोग, इनकी रोजी रोटी इस चीज़ के साथ है, उनके लिए क्या इंतज़ाम है,
ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, ये डीसी साहब ने देखना है। डीसी साहब हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, वो लोगों की इसी चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बनती है, इसीलिए बनती है कि लोगों की सहूलियत जो है वो देखते हैं एन मेलों के ऊपर, जहाँ लोगों की गैदरिंग होती है। अच्छा, मैंने ये देखा है पुलिस का बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बेचारे डंडा लेकर के घूमते हैं फिरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन इवन देन फिर भी होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए कि यहाँ पे अक्सर वारदात होती है, जेब कुतरे आते हैं, लोग बाद में हमारे पास आते हैं, ये देखो जी हमारे इतने पैसे जो हैं ये जेब हमारी काटी गई है, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको किराया देते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं वापस। ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है।